भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कार रैली निकाली गई। और ये पूरा 18 देखिए भारत माता की जय बोल रहे हैं। और ये टाटा स्टील के द्वारा एक तरह से फ्लैग ऑफ किया गया। टाटा स्टील के जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के ये हैं, वो उनके द्वारा फ्लैग ऑफ, और जो एनएसजी के कमांडो है उनके द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया। और ये जो पुलिस की देखरेख में, ट्रैफिक पुलिस की देखरेख में, ये यहाँ से साक्ची, बिष्टुपुर, मानगो और उसके बाद डिमना होते हुए ये सीधा हाईवे पे जाएगा, और हाईवे होते हुए बहरागोड़ा जाएंगे, और बहरागोड़ा से फिर ये कोलकाता जाएंगे। तो निश्चित है कि देश के एकता और अखंडता को लेकर ये कार रैली, ब्लैक कार रैली निकाली गई, जो पूरे देश के हमारे एनएसजी के कमांडो है वो आप देख सकते हैं। ब्लैक कार, ब्लैक कैट कार रैली का इसका नाम दिया हुआ है। और आप इसमें ये जवान है देखिए किस तरीके से हाथ हिला के अभिनंदन कर रहे हैं लोगों का और स्वीकार कर रहे हैं। तो ये 15 गाड़ियों का काफिला है और यहाँ से निकल चुका है। और जो टाटा स्टील के अधिकारी कमांडोस के साथ में यहाँ से फ्लैग ऑफ किया। और देखिए ये तिरंगा, ये जवान के हाथ में तिरंगा आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पर नजर आ होगा किस तरीके से तिरंगा लेके ये कमांडो जो देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा में रहते हैं, और ये यहाँ से इनका रवानगी हो गया। सुदर्शन भारत परिक्रमा के तहत ये ब्लैक कैट कार रैली निकाला गया है। निश्चित है कह सकते हैं कि ये देश की अखंडता और एकता को लेकर ये कार रैली निकाला गया था पिछले दिनों 2 अक्टूबर को, जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह के द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया था, और ये 30 अक्टूबर को वापस दिल्ली में कंक्लूड करेगा। तो कहीं ना कहीं ये 12 राज्य 18 शहरों का भ्रमण करेंगे, और वैसे शहरों में जा रहे हैं जहां से कहीं ना कहीं देश की आजादी से जुड़े लोगों का कुछ ना कुछ इतिहास रहा हो। और चूंकि टाटा कंपनी का 2019 में 100 साल मनाया, और कहीं ना कहीं भारत के विकास में टाटा घराने का एक बहुत बड़ा हाथ है, उसको देखते हुए ये टाटा स्टील में यहाँ जमशेदपुर में यह प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। और निश्चित है जिस तरीके से देखिए ये कार को रवानगी की जा रही है और रवानगी किया गया है, और जिस तरीके से सब लोग थम्स अप दिखा के इनको रवाना कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं ये कमांडो है जाएंगे और यहाँ से कोलकाता पहुंचेंगे। कोलकाता में से फिर वहां से आगे की प्रभाव पे बढ़ेंगे अहमदाबाद, उसके बाद मुंबई होते हुए वापस ये लोग दिल्ली जाएंगे। तो निश्चित है कहीं ना कहीं ये देश की जवानों का जज्बा आप देख रहे हो किस तरीके स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, झंडे नजर आ रहे हैं, तिरंगे झंडे नजर आ रहे हैं। और ये यहाँ से रैली को जो लोकल पुलिस है उसके द्वारा इनको ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए बिष्टुपुर से साक्ची, मानगो और डिमना रोड होते हुए जो NS-33 है उस पर इनको ले जाकर वहां तक छोड़ेंगे, उसके बाद ये बहरागोड़ा होते हुए कलकत्ता तक पहुंचेंगे। जी प्रभात, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ब्लैक कैट कार रैली निकाली गई यहाँ से, और ये रैली साक्ची, बिष्टुपुर, मानको और बहरागोड़ा होते हुए कोलकाता पहुंचेगी। कोलकाता के बाद मुंबई जाएगी और फिर वापसी वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।